जो देखा वही आप सभी ने देखा कि मुझे अकेले को भ्रम हो रहा है। आप सबने क्या देखा वो तो मुझे पता नहीं, पर मैंने इतना जरूर देखा कि बालवीर इस मोबाइल के अंदर चला गया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? पहले मेहर की आवाजें आ रही थी मोबाइल से, अब बालवीर भी इसके अंदर चला गया है। ये सब क्या हो रहा है? भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। आप लोग कोई फिक्र मत करो, सुमिता चिंता मत करो, हमारी मेहर को कुछ नहीं होगा। हाँ भाभी, हाँ अभी वो बालवीर अंदर गया ना, अब वो मेहर को वापस लेके आएगा, लेके आएगा माँ, लेके आएगा वो। हाँ हाँ, अरे ये बालवीर मोबाइल में क्यों चला गया और अब वो नजर भी नहीं आ रहा? पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ था। बाल परी, आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है बालवीर उस मोबाइल फोन के अंदर किसी खास मकसद को पूरा करने गया हो। काश ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे बालवीर किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। यदि ऐसा है तो आप बालवीर को याद कर लीजिए और वो यहाँ आ जाएगा। याद है ना रानी परी ने क्या कहा था कि आप जब भी बालवीर को याद करेंगी उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। हाँ ऐसा ही करते हैं, एक बार वो यहाँ आ जाएगा और हम उसे गले लगा लेंगे, तब जाकर हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी। बालवीर, बालवीर, अरे वो हमारे बुलाने पर भी अभी तक क्यों नहीं आया? हो सकता है कि मोबाइल फोन के अंदर वो आपकी आवाज ना सुन पा रहा हो। नहीं नहीं, हमारी आवाज सुनकर वो नहीं आता, हमारी भावनाएं महसूस करके वो आ जाता है। बालवीर, गालपरी, वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। अब तो हमें भी बहुत चिंता हो रही है। बालपरी आप धीरज रखिए, हम एक काम करते हैं, हम रानी परी के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। हाँ चलिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भयंकर परी, तौबा तौबा, मैंने कहा था ना कि बालवीर जरूर आएगा और यहाँ की जमीन टूट जाएगी। देखो देखो, टूट गई ना जमीन। अब तुम देखना बालवीर तुम्हें कैसे ठीक करता है, और तौबा तौबा, तुम्हें ये तुम्हारा बाजा बजा देगा। नहीं बजेगी यहाँ पर पूरी या बैंड किसी का, क्योंकि है नहीं ये पृथ्वी लोक, है यह भयानक लोक। नहीं चलेगा यहाँ पर जादू किसी का, क्योंकि है यहाँ पर राज मेरा। है मेरा मतलब है यहाँ पर राज परी भयंकर का। बालवीर, ये भयंकर परी बहुत खराब है, इसने छोटे छोटे बच्चों को स्टैचूज बना के रखा है, वो देखो उधर। तो बताइए आपने क्या देखा? मैंने मानव को देखा, उसके बाद क्या देखा? आपको देखा। अब
आपने क्या देखा? मानव को देखा। उसके आगे आपने क्या देखा? आपको भी देखा। ओ, ये टीवी के बारे में नहीं पूछ रहे, और आप लोग एक का एक सवाल कितनी बार पूछेंगे? हमारे परिवार ने आप लोगों को 50 बार बताया कि हमने बालवीर को रेत की तरह ऐसे बनते हुए देखा और मोबाइल में घुसते हुए भी देखा। हाँ। आप सब लोग सुन रहे हैं कि दादाजी ने खुद अपनी आंखों से बालवीर को रेत की तरह बन के मोबाइल में घुसते देखा, और इसी तरह से कई और पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को मोबाइल में घुसते हुए देखा। ये सब सुनने में अजीब और काल्पनिक लग रहा है, लेकिन डगली परिवार इस बात का जीता जागता सबूत है। दादी जी, आप बताइए, आपने क्या देखा? वही सेम टू सेम। सेम टू सेम यानी कि जो उन्होंने देखा वही मैंने देखा, हम सब ने देखा। सेम टू सेम। सेम टू सेम, सारा का सारा डगली परिवार बस एक ही बात बोल रहा है, सेम टू सेम। बी 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 यानी कि बच्चों को बचाने वाला बालवीर। तो दोस्तों, बालवीर के इतिहास को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो बच्चों को बचाने के लिए इस मोबाइल में कूद गया है, इस मोबाइल में। आप क्या कहेंगे इस बारे में? दादाजी के पास चलते हैं, वो कुछ बोल सकते हैं। दादाजी, आप क्या बोलना चाहेंगे? जी हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी माँ बाप को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब तक बालवीर है तब तक उनके बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यूं ही उसे नहीं कहते, बी 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 यानी बच्चों को बचाने वाला बालवीर। तौबा तौबा, बालवीर तो केवल एक बच्चा है मेरे सामने, इस पर मैं अपनी शक्तियां क्यों व्यर्थ करूं? ना, मैं नहीं लड़ूंगी इससे। हाँ, एकदम करेक्ट डिसीजन है, वेरी गुड। बालवीर तुम्हें माफ कर देगा, तुम बच जाओगी। अब चलो जल्दी से इस स्टेटस को वापस बच्चे बना दो। भोली हो तुम, नादान हो लड़की। इससे लड़ने के लिए मैं नहीं, कोई और आएगा। कौन? कौन लड़ेगा परी भयंकर बालवीर से? बताओ बताओ। परी भयंकर? परी भयंकर है नहीं कोई यहाँ, फिर लड़ेगा बालवीर किससे यहाँ पर? है लगता मुझे कि हो गया है पेच भीला आपके दिमाग का। गया समझ। इस पिद्दी के सामने लड़ेगा ये महान
विशाल शक्तिशाली योद्धा। तोबा तोबा। हाँ, बालवीर आजा मैदान में। अब लड़ो भी। परीक्षा लेने का वक्त आ गया है। एक आखिरी मौका देती हूं तुम्हें बालवीर, मेरी शरण में आ जाओ वरना मेरी शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। भयंकर परी, ना कर इतना घमंड अपनी शक्तियों पर। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। मुझ पे अच्छाई का आशीर्वाद है और बुराई कभी अच्छाई पे विजय नहीं पा सकती। कौन किस पे विजय हासिल करता है इसका निर्णय अभी हो जाएगा। बालवीर, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। मैं तैयार। मेहर, देखना बालपरी, रानी परी बालवीर को हर संकट से बचा लेगी। हाँ, अब तो उन्हीं का सहारा है। खुश रहिए बालपरी, खुश रहिए गालपरी। खुश रहो डुबाचार। क्यों रखा पैर आपने महल की सीढ़ियों पे? क्या आप गई भूल? बिना आज्ञा रानी परी की कोई नहीं जा सकता रानी महल में। डुबा डुबाचार, हम दोनों बहुत परेशान हैं। हाँ, हमारा रानी परी से मिलना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बालवीर खतरे में है। क्या? बालवीर खतरे में? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, यही रुकिए, आता हूँ संदेश पहुँचा के। खुश रहो। अरे डुबाडुबा चार, खुश रहो डुबाडुबा चार। अरे अरे रुको, खुश रहो डुबाडुबा एक, खुश रहो। आई है बालपरी गालपरी मिलने के लिए रानी परी से। आ? कैसे हुई हिम्मत तुम्हारे यहाँ पर सीधा आने की? बताना चाहिए था पहले डुबा डुबा तीन को, फिर बताना चाहिए था तुम्हें डुबा डुबा दो को, फिर वो बताता मुझे डुबा डुबा एक को। है नहीं इतना समय, है बात बहुत गंभीर, है खतरे में बालवीर। क्या लगा है क्यों समय इतनी सी बात बताने को? चाहिए तो पहले बताना तुम्हें। हटो अभी, चलो। काल परी बाल परी कीजिए माफ, हमें नहीं मिल सकते आप रानी परी से। पर क्यों? क्योंकि है कर रही है शक्ति संचय की साधना रानी परी बंद कमरे में बैठकर। है उनके सामने परी तारा, ले रही है शक्तियां रानी परी परी तारा से। डुबा डुबाए बालवीर संकट में है, रानी परी से कहो कि हम उनका थोड़ा सा ही समय लेंगे, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। है नहीं बात कम ज्यादा समय की, है बात रानी परी की जान की। मतलब? मतलब ये कि हर साल रानी परी करती है शक्ति संचय की साधना,
यदि साधना के बीच में उनको उठाया जाए तो जा सकती है उनकी जान भी। करो मैं अब क्या, अब बताओ आप ही। अब क्या करें? बालवीर, इस तौबा तौबा को हरा कर ये मत समझना कि तुमने मुझ पर जीत पाई। इसे तो मैंने सिर्फ तुम्हारी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए छोड़ा था। तो अब तुम्हें पता चल ही गया होगा मेरी शक्तियों का, फिर मुझसे लड़के हारना क्यों चाहती हो? बिना लड़े ही हार मान लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हाँ भयंकर परी, मोंटू को भी इसने माफ किया था, तुम्हें भी माफ कर देगा। बहुत जबान चलती है तुम दोनों की, अभी खामोश करती हूँ। शक्ति देख रही, भयंकर परी को याद आ जाए उसकी नानी, उसकी आंख को कर दे पानी पानी। तुम में इतनी सारी शक्तियां, परियों ने खूब शक्तियां दी हैं तुम्हें, मगर भयंकर परी के सामने ये सारी शक्तियां पानी पानी हो जाएं। अब तक तो बच गए थे, अब इससे कैसे बचोगे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.